हाल ही में हर हर शंभू गाना काफी लोकप्रिय हुआ है और साथ ही ये गाना गाने वाली सिंगर अभिलाषा पांडे भी। उनके साथ इस गाने का अलग अलग वर्जन भी लोगों को पसंद आ रहा है। फरमानी नाज नाम की गायिका ने भी ये गाना गाया था जिसके बाद वो खूब मशहूर हुई। इस दौरान फरमानी नाज के हवाले से किया गया ये कथित ट्वीट काफी शेयर किया जा रहा है। फरमानी नाज के नाम से बने इस हैंडल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके पूर्वज हिंदू थे और जल्द ही वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगी। ऑल्ट न्यूज ने जब ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन चेक की तो पाया कि इस हैंडल ने हिंदू धर्म के समर्थन में काफी ट्वीट्स किए हैं। बहरहाल ट्विटर पर फरमानी नाज के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि उनके नाम से ढेरों अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। अब इनमें से कौन सा असली अकाउंट है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ट्विटर पर फरमानी नाज के नाम से चल रहे अकाउंट्स में से उनका ये अकाउंट असली है। इस अकाउंट की टाइमलाइन चेक करने पर हमें ये वीडियो मिला जिसमें फरमानी ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल के बारे में बताया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं एक बात कहने आई हूँ आप सभी से कि मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के ट्विटर पे उसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ और मेरे पूर्व जन्म हिंदू धर्म की पूजा करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए और उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो मेरी फेक आईडी बना बना के ऐसे इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरी खुद की जो ट्विटर आईडी है वो है फरमाइना 786 और उस पर आप जाके देखना, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी उसको लेके। जो मैं जिस धर्म में हूँ मैं खुश हूँ, सभी अपने अपने धर्म में खुश हैं, तो किसी के बारे में भी इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए बिना सोचे समझे। तो इसके अलावा इस अकाउंट की टाइमलाइन चेक करने पर हमें ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला जिसमें फरमानी ने हिंदू धर्म स्वीकारने की कोई बात कही हो। इस अकाउंट की तुलना वायरल ट्वीट में दिख रहे ट्विटर हैंडल से करने पर हमने कुछ बातें नोटिस की, जैसे दोनों अकाउंट्स के हैंडल नेम में स्पेलिंग अलग अलग है। असली अकाउंट में नाज की स्पेलिंग NAZZ है जबकि फेक अकाउंट में स्पेलिंग NAZZ है, वहीं F लेटर कैपिटल में लिखा है। फरमानी के इस फेक अकाउंट के पुराने ट्वीट्स देखने पर हमें मालूम हुआ कि इस अकाउंट का हैंडल नेम पहले @Nitin_Shukla था जिसे बाद में फरमानी नाज किया गया, और इसके बाद असली हैंडल का यूजर नेम भी इस अकाउंट ने काफी हद तक कॉपी किया ताकि असली जैसा दिख सके। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक ये फर्जी हैंडल डिलीट हो चुका है। फरमानी नाज का ये अकाउंट असली है और बाकी अकाउंट्स फर्जी है। ऑल्ट न्यूज पहले भी ऐसे फर्जी ट्विटर अकाउंट्स की जांच कर चुका है जिसमें चर्चित लोगों के हवाले से गलत बयान शेयर किए गए हो। हाल ही में ऑल्ट न्यूज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फेक अकाउंट्स के बारे में जांच की थी और पाया था कि वो असल में ट्विटर पर है ही नहीं।